हेलो स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीए थर्ड ईयर के जो आपके पिछली वीडियो में भी हमने भारत की कृषि के बारे में पढ़ाया था, उसी के बारे में हम आगे इसमें अध्ययन करेंगे। भारतीय कृषि में प्रमुख खाद्यान्न फसलों का हम अध्ययन कर रहे थे, और इससे पहले वाले वीडियो में हमने खाद्यान्नों में गेहूं की फसल का अध्ययन किया था। आज हम जो दूसरा प्रमुख खाद्यान्न है चावल, यानी खाद्यान्न फसलों में जो दूसरी प्रमुख है वो है चावल, और उस चावल का हम इसमें अध्ययन करेंगे। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में अगर हम देखें तो चावल हमारी सबसे ज्यादा, यानी भारत के अंदर सबसे ज्यादा खाए जाने वाली जो है वो चावल, इसके बाद गेहूं, यानी प्रथम स्थान चावल का आता है। तो चावल हमारी प्रमुख खाद्यान्नों में से एक माना जाता है, हमारा प्रमुख खाद्यान्न है, जिसका उत्पादन अगर हम देखें भारत में हड़प्पा मोहनजोदड़ो, यानी प्राचीन समय से हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी उसमें भी हमें चावल के प्रमाण मिलते हैं। यानी प्राचीन समय से ही हमारे भारत में चावल की कृषि की जाती रही है। चावल का पौधे के बारे में अगर हम देखें तो चावल का पौधा भी हमारे भारत का मूल कहलाता है। यानी विश्व में जहां पर भी चावल उगाया जाता है या उगाया गया, वो पौधा भारत से ही दूसरे देशों को गया। यानी कह सकते हैं कि चावल के पौधा भारत में ही विश्व से अन्य देशों में गया, यहाँ से मिस्र में, यूरोप में और एशिया महाद्वीप के अनेकों क्षेत्रों में ये चावल का पौधा गया। तो इसका मूल जो हम कह सकते हैं, यानी मूल स्थान चावल का, वो भारत ही है। तो भारत में ही इसकी उपज सबसे पहले हुई, और चावल भारत के लोगों का मुख्य खाद्यान्न है, जिसका आकलन हम इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ की कुल आबादी का 3/4, यानी हमारा जो प्रमुख जो खाद्यान्न है इसका आकलन हम इस बात से ही कर सकते हैं कि भारत की लगभग 3/4 जनसंख्या चावल पर निर्भर करती है। खाद्यान्न के रूप में चावल पर ही निर्भर करती है। अगर हम भारत के देखें तो उत्तर भारत के कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहाँ पर गेहूं का सेवन ज्यादा होता है, बाकी हम दक्षिण भारत में, पूर्व में, उत्तर में, पश्चिम में, जिन भी राज्यों में जाकर देखें भारत में, ज्यादातर भारत में चावल ही खाया जाता है, यानी प्रमुख फसल के रूप में चावल, और चावल का उत्पादन भी गेहूं से ज्यादा, यानी पहले नंबर पर भारत में अगर खाद्यान्न फसलों में कोई फसल आती है तो वो चावल की फसल है। तो चावल इस कारण से भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण खाद्यान्नों में से एक माना जाता है कि भारत की, और अगर हम विश्व लेवल पर भी देखें तो चावल सबसे ज्यादा खाया जाता है, खाद्यान्न फसलों के रूप में सबसे ज्यादा उगाया जाता है और इसका सबसे ज्यादा सेवन किया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चावल हमारी प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से एक है। साथ ही अगर हम देखें तो चावल का हमारे धार्मिक रूप से भी चावल का विशेष महत्व है, हमारे पूजा पाठ में, हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में भी चावल का उपयोग किया जाता है। तो धार्मिक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो चावल हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और भारत के चावल के उत्पादन का कुल अगर कृषि भूमि का 25% और कुल खाद्यान्न उत्पादन का 33.3% उगाया जाता है। तो इस तरीके से हम भारत में अगर चावल की खेती के बारे में देखें, तो चावल की फसल के बारे में अगर हम देखें तो चावल जो है हमारे प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से एक मानी जाती है। देखिए, चावल उत्पादन क्षेत्र, यानी चावल का जो उत्पादन है, मुख्य रूप से चावल के लिए सबसे ज्यादा
पानी की आवश्यकता होती है, और जो मानसूनी प्रदेश है जहाँ पर वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है, पर्याप्त मात्रा में जहाँ वर्षा होती है वहाँ चावल आसानी से उगाए जाते हैं। और अगर क्योंकि भारतीय कृषि मानसूनों पर निर्भर है और मानसूनों की हम विशेषता जानते हैं, भारतीय मानसून अनियमित, अनिश्चित और असमान वितरण इसका पाया जाता है। तो भारत में वर्षा का वितरण भी असमान है, निश्चित समय से भी नहीं आती है। तो वर्षा जब कम होती है तो सिंचाई के साधनों के माध्यम से, यानी जहाँ पर वर्षा पानी कम होता, वर्षा कम हुई या पानी नहीं है, तो वहाँ सिंचाई के माध्यम से हम चावल की फसल उगाते हैं। यानी चावल की फसल के लिए जब पानी की आवश्यकता होती है तो हम उसको सिंचाई के माध्यम से उसको जिंदा रखते हैं। विश्व के अंदर अगर हम देखें विश्व स्तर पर, तो भारत चावल उत्पादन में दूसरे नंबर पर आता है। यानी पहले नंबर पर चीन है और उसके बाद दूसरे नंबर पर चावल उत्पादन में कोई देश है तो वो भारत है। भारत दूसरे नंबर पर आता है, यानी विश्व का लगभग 22.9% चावल का उत्पादन जो है, 22.9% चावल का उत्पादन भारत करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक छोटा सा रूप है भारत में चावल के उत्पादन का इतिहास। भारत में चावल प्रमुख खाद्यान्न फसलों के रूप में उगाया जाता है। विश्व का दूसरे नंबर का उत्पादन करने वाला देश भारत है, और कह सकते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है खाद्यान्न के रूप में। धार्मिक अनुष्ठानों में भी इसका विशेष महत्व है, और हमारे जो भारत की जलवायु जो है वो भी इस प्रकार की है कि चावल उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। यानी दक्षिण भारत में आप देखो समुद्र तटीय क्षेत्र है तो वहाँ पर चावल बहुत आज से उगाया जाता है। नदियों की तलैटी में, नदियों से लाई हुई जो उपजाऊ मिट्टियाँ हैं जहाँ नमी बनी रहती है, ऐसे क्षेत्रों में चावल का उत्पादन बहुत आज से किया जाता है। इसी ये सारी कंडीशन जो है ये भारत में पर्याप्त रूप से मौजूद है चावल उत्पादन के लिए, और यही कारण है कि विश्व में चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान माना जाता है। अब हम इसमें चावल के उत्पादन की भौगोलिक परिस्थितियां, जैसे इसमें जो प्रश्न आएगा तो वो चावल की भौगोलिक परिस्थितियां, यानी उसके लिए तापमान की कितना होना चाहिए, वर्षा कितनी होनी चाहिए, मिट्टियाँ किस प्रकार की होनी चाहिए, श्रम शक्ति किस प्रकार की होनी चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। चावल उत्पादन की प्रमुख भौगोलिक परिस्थितियाँ, यानी भौगोलिक परिस्थितियों का हम इसमें अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम तापमान देखिए, चावल एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगने वाला पौधा है, यानी जिसके लिए तापमान और वर्षा दोनों ही की अधिक आवश्यकता होती है। तो तापमान की दृष्टि से अगर हम देखें चावल के लिए तापमान की अधिक आवश्यकता होती है, और कह सकते हैं कि चावल बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस, यानी जब चावल की बुवाई की जाती है तो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, यानी ये इसके लिए आदर्श परिस्थिति मानी जाती है। यानी 20 डिग्री जब चावल का बुवाई होती है उस समय तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, और पकते समय ये लगभग 27 डिग्री सेल्सियस। चावल बड़ा हो और जब पकता है, पकते समय उस समय तापमान की स्थिति 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहनी चाहिए। 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान जब होता है जहां पर है वहां पर चावल की खेती नहीं की जा सकती है। यानी जहां उच्च तापमान होगा
वहीं पर चावल की खेती की जा सकती है। उच्च तापमान में 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान वाले क्षेत्रों में ही चावल की खेती की जा सकती है। यानी बोते समय, जिस समय चावल की बुवाई होती है, रोपण होता है, उस समय टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और पकते समय लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास के होना चाहिए। चावल मुख्य रूप से खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है भारत में, जहाँ अगर भारत में देखें, लेकिन अब तो भारत में कई पूरे साल में कई फसलें उगाते हैं। इसलिए टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होते समय और 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पकते समय होना चाहिए, तो ये इसके लिए आदर्श स्थिति मानी जाती है। अब दूसरा जो है वो है वर्षा। देखिए, चावल की फसल के लिए सबसे प्रमुख चीज है वर्षा। तापमान के साथ वर्षा भी अधिक होनी चाहिए। कहते हैं कि 90 दिन लगभग नमी होनी चाहिए खेतों में, तब जाकर चावल की फसल की जा सकती है। यानी वर्षा जो है, न्यूनतम वर्षा जहाँ पर अपन बो सकते हैं इनको, वो 100 से 200 सेंटीमीटर तक। यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती हो, ऐसे क्षेत्रों में चावल की खेती की जा सकती है। यानी चावल के लिए सबसे वर्षा की जो मात्रा होनी चाहिए वो 100 से 200 सेंटीमीटर, और अगर इससे कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में सिंचाई के माध्यम से खेती की जाती है चावल की। यानी आदर्श स्थिति इसकी जो है पानी की वर्षा की, वो कह सकते हैं कि 100 से 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और शुरुआत में, क्योंकि अपन जानते हैं कि चावल का वो छींट के भी बोए जाते हैं और रोपण भी किया जाता है, तो रोपण करते समय खेतों में क्यारियां बनाई जाती हैं और क्यारियों में पानी भर दिया जाता है और उन क्यारियों में पंक्तिबद्ध रूप से पौधों को रोपण किया जाता है। तो पानी की उपलब्धता अति आवश्यक है और ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। 100 सेंटीमीटर से कम जहां वर्षा होगी वहां पर सिंचाई के साधनों के माध्यम से हम खेती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वर्षा का जो इसमें मात्रा है वो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तीसरा इसमें है मिट्टी। मिट्टी चावल की फसल के लिए अगर हम देखें, मिट्टियां चावल उत्पादन के लिए समतल उपजाऊ भूमि अनुकूल रहती है। यानी समतल भूमि होनी चाहिए जो सबसे ज्यादा अनुकूल है, और इसमें नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयोगी मानी जाती है। यानी नदियों के द्वारा लाई गई जो जलोढ़ मिट्टियां हैं, घाप मिट्टी, वो सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। अच्छी का मिट्टी, छोटे कणों वाली, जिसमें नमी अधिक समय तक बनी रहती है। यानी जलोढ़ मिट्टियां चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती हैं। इसी कारण से चावल में उत्पादन में चिकनी, दोमट और कछारी मिट्टी जो है वो बहुत उत्तम प्रकार की मानी जाती है, और इसी कारण से चावल का उत्पादन जो है डेल्टाई और समुद्र तटीय क्षेत्रों में अधिक किया जाता है। यानी चावल का उत्पादन अगर हम भारत में देखें तो ज्यादातर नदियों के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं या समुद्र तटीय क्षेत्र जो है वहां पर चावल की खेती अधिक होती है, क्योंकि नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टियों के ढेर, यानी जो डेल्टा है वो मिट्टियों जो लाई गई है नदियों के द्वारा, उसका वो क्षेत्र है जो कि चावल के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। मिट्टी के बाद आती है खाद। खाद चावल की खेती के लिए, चावल एक ऐसी फसल है जो उत्पादन के समय मिट्टी के अधिकतम जैविक तत्वों का शोषण करती है, यानी शुरुआती समय में, और इसी कारण से मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए
गोबर व रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जैविक खाद है, गोबर खाद है, रासायनिक खाद है, इनका अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। साथ में ही इसमें रासायनिक खादों में सल्फेट और सुपर फास्फेट, सल्फेट और सुपर फास्फेट खादों का इस्तेमाल अधिक किया जाता है, जिससे इसका उत्पादन अधिक मिलता है, यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो इस रासायनिक खादों से जैविक खादों के माध्यम से अधिक लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त चावल के पौधों को क्यारियों में लगाना, निराई गुड़ाई कटाई बहुत सारे काम होते हैं, और इन सब कामों के लिए सस्ते श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि चावल का जो रोपण है वो रोपण बहुत बड़ी यानी खेतों में क्यारियों में पंक्तिबद्ध लगाने में अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। इसलिए श्रम के रूप में भी अगर हम देखें तो श्रम की आवश्यकता भी अधिक पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तो हमारा चावल के उत्पादन की भौगोलिक परिस्थितियां हो गई, यानी किस भौगोलिक परिस्थिति आदर्श स्थितियां जो है उनमें ही ये चावल की खेती की जा सकती है, यानी जहाँ पर तापमान अधिक हो, वर्षा अधिक होती हो, ऐसे क्षेत्रों में चावल की खेती की जा सकती है। और इसीलिए कहते हैं कि भारत में ज्यादातर डेल्टाई और समुद्र तटीय क्षेत्रों के नदियों के जो डेल्टाई भाग है और समुद्र तटीय जो क्षेत्र है वहाँ पर चावल की खेती अधिक की जाती है। इसके बाद अब हम चावल की विभिन्न फसलों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक हमने चावल की भौगोलिक अध्ययन किया और हम इसके चावल के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भारत में विभिन्न प्रकार की उत्तर से दक्षिण तक अगर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करेंगे तो विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो जलवायु के आधार पर धरातलीय स्वरूपों के आधार पर हम चावल की विभिन्न दो रूपों में इसमें अध्ययन करेंगे। इसमें चावल जो है जो उत्पादन के क्षेत्र के अनुसार भारतीय चावल को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला मैदानी, सबसे पहला जो है वो है मैदानी चावल। मैदानी चावल मैदानी क्षेत्रों में यानी नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग, समुद्र तटीय मैदानों के आदि समतल क्षेत्रों में उत्पादित चावल जो है वो मैदानी चावल कहलाता है। जो मैदानी क्षेत्रों में समतल नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टियों के डेल्टाई भागों में और समुद्र तटीय क्षेत्रों में यानी समुद्र तटीय क्षेत्रों में धान चावल उगाया जाता है वो मैदानी चावल होता है। दूसरा है पहाड़ी एवं पठारी, पहाड़ी एवं पठारी चावल। देखिए पहाड़ी या पठारी ऊंचे क्षेत्रों में जहाँ चावल बोया जाता है सीढ़ीनुमा खेत बनाकर, यानी पहाड़ों के ऊपर खेती जो की जाती है क्योंकि ढलान होता है पहाड़ों पर, और ढलान होने के कारण उन पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं और उन सीढ़ीनुमा खेतों पर चावल की खेती की जाती है। तो वो पहाड़ी और पठारी जो क्षेत्र ऊंचे क्षेत्र हैं वहाँ पर इस प्रकार की खेती की जाती है, सीढ़ीनुमा खेत बनाकर खेती की जाती है, इसको हम पहाड़ी या पठारी चावल बोलते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद इसमें हम मौसम के अनुसार भी भारत में चावल के तीन प्रकार की फसलों का उत्पादन करते हैं, यानी मौसम के अनुसार, इसके अनुसार मौसम के अनुसार हमारे भारत में और खास करके भारत में सबसे ज्यादा चावल का जो उत्पादन है वो पश्चिम बंगाल में होता है, और पश्चिम बंगाल भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करता है, और लगभग साल में तीन फसलें पश्चिम बंगाल के अंदर
उगाई जाती है। उसमें जो वो अमन तीन है, जिसका नाम है अमन, दूसरी है बोरो, बोरो और तीसरी है ओस। ओस तो मौसम के अनुसार भारत में तीन प्रकार, यानी साल में तीन फसलें ली जाती हैं। भारत में तीन फसलें ली जाती हैं जिनके नाम अमन, बोरो और ओस हैं। ये उगाई जाती है। अगर हम इनको देखें मौसम के अनुसार, तो वो अमन जो है इस शीतकालीन समय में उगाई जाने वाली चावल की फसल है, और ये लगभग जुलाई अगस्त के आसपास बोई जाती है और अक्टूबर दिसंबर में इसको काट लिया जाता है। और सबसे ज़्यादा यही फसल बोई जाती है, यानी अमन जो है सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है, और यानी लगभग 78% अमन जो है सभी में लगभग 78% उत्पादन अमन का ही होता है। दूसरी जो है वो बोरो है, यह दिसंबर मार्च अप्रैल के मध्य बोई जाती है, नवंबर दिसंबर से मार्च अप्रैल के मध्य होती है। और ऊस जो है ये शरदकालीन है, और इसका उत्पादन मई जून से सितंबर अक्टूबर के मध्य होता है। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार की फसलें हैं, इसमें बोरो 2% और ऊस जो है वो 20%, ये 2%, यानी टोटल जो बोई जाती है फसलें उसमें सबसे ज्यादा 78% ऊस है, और वो क्या कहते हैं अमन है, और 20% ऊस है और 2% बोरो है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये होता है। अब हम भारत में चावल के उत्पादक क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए भारत में चावल की जो विभिन्न किस्में जो उत्पादित होती हैं, दो प्रकार की, एक भारतीय विधि और एक जापानी विधि है। भारतीय विधि जो कि हमारे परंपरागत तरीके से पुराने ढंग से जो कृषि की जाती है वो प्रकार भारतीय विधि है। इसमें चावल को पुराने तरीके से उगाया जाता है, परंपरागत तरीके से, जिसमें उसमें पैदावार अधिक नहीं मिलती है। जापानी विधि से रोपण विधि है, पानी भर के उसको पंक्तिबद्ध रूप से लगाया जाता है, जिससे उसका उत्पादन अधिक मिलता है। तो इस तरीके से, और अब हम भारत में चावल के उत्पादक क्षेत्र, यानी भारत में चावल का उत्पादन जो है किस प्रकार से होता है, उसका इसमें हम अध्ययन करेंगे। देखिए भारत में चावल का उत्पादन उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पर्याप्त वर्षा होती है, और पर्याप्त वर्षा नहीं हो तो वहाँ सिंचाई के साधनों के माध्यम से चावल की खेती की जाती है। और इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहला राज्य जो है चावल उत्पादन का, सबसे अधिक जो भारत में चावल का उत्पादन करता है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत में चावल की सबसे ज्यादा पैदावार करता है, यानी भारत के कुल चावल का 17.48% चावल का उत्पादन अकेले पश्चिम बंगाल करता है, और ये प्रथम स्थान रखता है। सबसे ज्यादा 17.48% चावल का उत्पादन के साथ ये भारत में प्रथम स्थान रखता है, और कुल क्षेत्र के 77% भाग पर, जो टोटल उसका एरिया है कृषि का, उसके 77% भाग पर चावल बोया जाता है, यानी 77% भाग पर चावल बोया जाता है। और यहाँ पर वर्षा नदी, जो पर्याप्त वर्षा है
वो होती है, क्योंकि समुद्र तटीय क्षेत्र है, समुद्र से जुड़ा हुआ है, गंगा नदी का डेल्टा है, तो पर्याप्त रूप में वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जलवायु वहाँ की इतनी उपयुक्त है कि साल में तीन प्रकार के चावल, यानी तीन बार साल में तीन फसलें चावल की उगाई जाती हैं, जो कि अपन पहले पढ़ चुके हैं, आंस, रोस, अमन और बोरो। इस प्रकार से ये फसलें जो हैं वो पश्चिम बंगाल में ही होती है। तो पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन में अग्रणीय माना जाता है, या कई जिले जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है चावल उत्पादन में, जैसे मिदानपुर है, दार्जिलिंग है, वर्धमान है, जलपाईगुड़ी है, ये कई प्रदेश हैं जो क्षेत्र हैं, जिले हैं जो महत्वपूर्ण हैं। दूसरा जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान आता है। यह कुल देश का 12.75% 12.75% चावल के उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है, और कुल भूमि का ये 22% भाग चावल का उत्पादन करता है, यानी कुल जो भूमि है उसका 22% जो कुल भूमि है उसका 22% भूभाग पर चावल की खेती की जाती है। यहाँ पर नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों की उपजाऊ मिट्टियाँ हैं, साथ में जल की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, तो इस कारण से यहाँ पर बहुत चावल की खेती की जाती है, इसी कारण से ये दूसरे नंबर का माना जाता है। तीसरे नंबर पे पंजाब, पंजाब पंजाब भी चावल उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, और साथ में सबसे बड़ी विशेषता पंजाब की है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन हमारे भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य का है तो वो पंजाब है, यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब सबसे अग्रणीय है, यानी 3229 किलोग्राम 3229 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका पंजाब में उत्पादन किया जाता है, यानी पंजाब प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और यहाँ 12.24% यानी भारत का 12.24% चावल का उत्पादन पंजाब करता है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, और इसके अलावा हमारे असम के अंदर असम है, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, कर्नाटक, भारत के सभी राज्य जो हैं चावल के उत्पादन करते हैं, महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चावल का उत्पादन जो है वो भारत में महत्वपूर्ण तरीके से किया जाता है।